चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ अवधारणाओं पे हम बात कर लेते हैं जिनका प्रयोग हम बहुत ज्यादा करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मामले में। ठीक है, एक है भू राजनैतिक व्यवस्था। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे पढ़ेंगे जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा सुना होगा ये शब्द। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, ये भू राजनैतिक होता क्या है? ठीक है, ये दो शब्दों से मिलके बना है बेटा। ठीक है, एक जियो पॉलिटिक्स, ठीक है, इट इज रिलेटेड विद ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, एंड पॉलिटिक्स इज राजनीति। शाबाश, धन्यवाद। और राजनीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रभाव करना, प्रभावित करना या शासन व्यवस्था संचालित करना। ठीक है, तो अगर उस दृष्टिकोण से हम समझे, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स को, तो ऐसी व्यवस्थाएं जिसके माध्यम से राष्ट्र संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण भूगोल पर अपना अस्तित्व या अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर। ठीक है, विश्व में, क्योंकि कोई भी देश स्वयं अलगाव की स्थिति में नहीं रह सकता। क्या भारत बिना किसी अन्य देशों के साथ संबंध रखे आत्मनिर्भर हो सकता है? ठीक है, क्या खुद का सभी मामलों में अपनी दायित्व या आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है? नहीं। क्या कोई अन्य देश ऐसा कर सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इस विश्व में सभी देशों को एक दूसरे देशों की आवश्यकता है, एक दूसरे देशों पर निर्भरता है। इस स्थिति में भू राजनैतिक व्यवस्था, ठीक है, एक ऐसी व्यवस्था होगी या एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसके माध्यम से विश्व का प्रत्येक देश किसी अन्य देश पे अपने प्रभाव को स्थापित करने, उस प्रभाव को बरकरार रखने के प्रयास करते रहेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अपनी नीतियों का इस तरीके से निर्धारण करना कि संपूर्ण विश्व राजनीतिक व्यवस्था उसके अनुसार कार्य करे। वही उद्देश्य रूस का है, वही उद्देश्य चीन का है, बट वहीं पर भारत का उद्देश्य क्या है? अपनी शक्तियों का प्रयोग इस तरीके से करना कि विश्व शांति और सौहार्द बना रहे। मतलब हर देश विश्व में अपने अपने दायित्वों या अपने अपने उद्देश्यों के हिसाब से राजनीति कर रहा है। ठीक है, और इस राजनीति में वो अपने प्रभाव को अधिक से अधिक करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अमेरिका अपने प्रभाव की बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो विश्व का प्रत्येक देश भू राजनीतिक व्यवस्था को इस तरीके से स्थापित करना चाहता है कि उस देश का हित सर्वाधिक रूप से सुनिश्चित हो सके। क्या ऐसा कुछ है कि हर देश ये चाहता है कि वो परोपकार करे? नहीं। हर देश क्या चाह रहा है? अपना हित चाह रहा है। विश्व का प्रत्येक देश अपना हित चाह रहा है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो ये चाह रहा है कि मेरा नुकसान होना है हो जाए, सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो इंसान नहीं सोचा, देश की तो बात ही दूर है ना। तो ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक और अवधारणा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो है राष्ट्रीय हित। ठीक है, राष्ट्रीय हित क्या हुआ बेटा? प्रत्येक वह कार्य या उद्देश्य जो किसी राष्ट्र की शक्तियों को बढ़ाएगा, ठीक है, वो राष्ट्रीय हित कहलाएगा। मतलब यदि किसी कार्य को करने से भारत की शक्तियों में वृद्धि हो या भारत के उद्देश्यों की पूर्ति हो तो वो कार्य क्या कहलाएगा?
भारत का राष्ट्रीय हित, ठीक है, और राष्ट्रीय हित के लिए प्रत्येक देश अपनी अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, अपनी अपनी विदेश नीति का निर्माण करते हैं और अपनी अपनी विदेश नीति का अनुसरण करते हैं, और इस अनुसरण के लिए नैतिक, अनैतिक, ठीक है, या गैर नैतिक सभी तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। तो एक चीज समझ लेना बेटा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एकमात्र नैतिकता जो है वो है राष्ट्रीय हित, ठीक है। तुम लोगों ने अगर एथिक्स पढ़ा होगा तो एथिक्स में निजी मूल्यों में बहुत सारे मूल्य पढ़े होंगे, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी होगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सबको भूल जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है राष्ट्रीय हित, ठीक है। कोई भी देश, ठीक है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो या अमेरिका हो, विश्व का प्रत्येक देश सिर्फ और सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने के उद्देश्य से कार्य करता है। और यदि कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्ण नहीं कर रहा या पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो क्या उस देश का अस्तित्व रह पाएगा? नहीं, ठीक है, वो देश तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पूरी तरीके से बेटा यथार्थवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है, यथार्थवादी विचारधारा, रियलिज्म, ठीक है। और यथार्थवादी विचारधारा क्या कहती है? यथार्थवादी विचारधारा कहती है कि विश्व का प्रत्येक देश, ठीक है, स्वार्थी है, ठीक है, विश्व का प्रत्येक देश दुष्ट है, ठीक है, हिंसक है, पापी नहीं, ठीक है, दुष्ट है, हिंसक है, और अपने हितों के लिए वो किसी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने में भी गुरेज नहीं करेगा, ठीक है, ये कहता है यथार्थवाद। और इस यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्गत जब हर देश दूसरे देश को हराने में लगा हुआ है, इसका मतलब युद्ध का संकट हमेशा विश्व में है, ठीक है भाई, सिंपल सी चीज है ना, पड़ोसी अगर तुम्हारा दुश्मन है तो वो पड़ोसी कभी भी तुम पे आक्रमण कर सकता है, फिर चाहे वो पड़ोसी पाकिस्तान हो या चीन हो, ठीक है, या फिर बांग्लादेश ही कह लो। जरूरी थोड़ी ना है कि युद्ध सिर्फ सेना के माध्यम से किया जाए, गैर परंपरागत युद्ध भी होते हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका करता है, ठीक है, जैसे चीन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे का शत्रु है, और ऐसी स्थिति में प्रत्येक देश को क्या करना चाहिए? अपनी शक्तियों में निरंतर वृद्धि करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई देश अपनी शक्तियों में निरंतर वृद्धि नहीं करेगा, वो अपने आप को स्थिर बना लेता है कि भाई मैं तो संत हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी पे आक्रमण नहीं करूंगा, तो क्या बाकी भी यही सोचेंगे? नहीं। अगर आज भारत बोल दे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, तुम्हें लगता है पाकिस्तान हमला नहीं करेगा भारत पे? वो पहली फुर्सत में करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कह रहा है? विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में है, और जब विश्व का प्रत्येक देश एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में है, तो कोई भी एक देश क्या अपने राष्ट्रीय हितों को स्थिर रख सकता है? नहीं। राष्ट्रीय हित बदलते रहेंगे, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी वैसे वैसे राष्ट्रीय हित बदलेंगे, और इन राष्ट्रीय हितों में निरंतर वृद्धि होती जाएगी। कल तक हम भारत के लिए ये मांग कर रहे थे कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समझा जाए, है ना, भारत का अपना एक अस्तित्व होना चाहिए, ठीक है। 20वीं शताब्दी में हमारी मांग यही थी विश्व से, गुट निरपेक्षता के माध्यम से हम मांग क्या कर रहे थे कि तुम ये शीत युद्ध की राजनीति छोड़ो,
हर एक देश अपना अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व लेके रखा हुआ है और इस स्वतंत्र उद्देश्य में विश्व का प्रत्येक देश की बात सुनी जानी चाहिए, यही हमारी मांग थी। बट अब 21वीं शताब्दी में हम क्या कह रहे हैं कि सिर्फ हमारी बात नहीं सुनो, विश्व की जो राजनीतिक व्यवस्था में है जो है उसमें भारत की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपने राष्ट्रीय हित को लगातार बढ़ाया है। तो कल तक जब हम संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्य की मांग कर रहे थे, ठीक है, अब उसी संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य चाहे ना बने, हम कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी दो, हम युद्ध रोकेंगे रूस और यूक्रेन के बीच का, ठीक है, तो मत दो तुम स्थायी सदस्यता, बट हमें वो काबिलियत है कि हम दो देशों के मध्य के युद्ध को रोक सके। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, अपने राष्ट्रीय हितों को परिवर्तित कर लिया। अब जब राष्ट्रीय हित परिवर्तित हो गए और अगर भारत ने रूस और यूक्रेन के मध्य शांति स्थापित कर दी बेटा, तो क्या भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में पहचाना नहीं जाएगा फिर, जिस युद्ध को विश्व का कोई देश नहीं रोक पाया, ठीक है, उस युद्ध में शांति स्थापित करने का एकदम कठिनतम कार्य भारत ने स्थापित कर दिया, तो विश्व में भारत की पूछ, भारत की साख, ठीक है, भारत की पहचान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में जो देश भारत का अभी विरोध कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में, क्या वो भारत की सदस्यता के समर्थन में नहीं आएंगे? और अगर नहीं आते हैं तो क्या विश्व के बाकी देश उन पर दबाव नहीं बनाएंगे? ठीक है, क्योंकि दो ही देश है जो भारत की सदस्यता नहीं चाहते, ठीक है, एक हमारा पड़ोसी चीन और दूसरा अमेरिका, पाकिस्तान की वैल्यू, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारी सदस्यता में दो ही देश है जो अड़ंगे लगा रहे हैं, एक चीन है और दूसरा अमेरिका है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास वीटो पावर है, तो जब कभी ऐसा प्रस्ताव आएगा ये दोनों वीटो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अमेरिका को अपने साथ लेना होगा, और जिस दिन अमेरिका आ गया हमारे साथ, फिर चारों मिलके चीन पे दबाव बना देंगे, तो वहां फिर हम, ठीक है, पाकिस्तान की सुनता कौन है बेटा? ये मान लो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में पाकिस्तान की स्थिति ये है जिसकी कोई नहीं सुनना चाहता, जिसपे कोई ध्यान नहीं देना चाहता, ठीक है, तो जब कोई ध्यान नहीं देना चाहता तो हम भी क्यों ध्यान दें, ठीक है, बट तुम लोगों को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। अगर तुम पिछले 5-10 सालों के पेपर देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर किसी देश से प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने, तो वो दो ही देश है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन, ठीक है, ये दो देश यूपीएससी को बहुत ही प्यारे है, और यूपीएससी को प्यारे है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। बोलो बेटा, तुम कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल, चाहे अगर प्रॉक्सी वार से लेकर के साइबर वार, बिल्कुल कर रहा है, पहले के लिए तत्पर भी, बिल्कुल सर। ऐसे में एक और सवाल आ रहा है, राइट विंग जो राइट विंग डोमिनेशन, डोमिनेशन राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो सर इसको कैसे करो, कारण कि पॉलिटी में तो ये भी है सर कि अगर विश्व लेवल पे हम देखें तो हमें राइट विंग पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, या फिर उसके फेवर में रहना होगा। लेकिन अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो वहाँ वहाँ में सोशलिज्म है, जनता है, लेफ्ट विंग अभी पॉलिटी को, एथिक्स को ना भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, कुछ समय के लिए, मतलब ये मान लो 15 से 20 दिन, ठीक है, उस 15 से 20 दिन में मैं तुम्हें आईआर का जितना भी बेसिक है वो सारा पढ़ा दूंगा, ठीक है, हर एक देश के साथ संबंध पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करेंगे कि राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, उसके बाद ग्लोबल प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे कि टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके साथ साथ राइट विंग से ही जुड़ी
एक और कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है, मुख्य रूप से 2008 के बाद आया था, वो है संरक्षणवाद। हर देश अपने आप को संरक्षण करने में इस तरीके से जुटा है कि वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को ही नकार रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम तब बात करेंगे जब पहले हम पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था को समझ जाएंगे। आज हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, ठीक है, मतलब तुम लोगों के पास, कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध क्या है, भारत और चीन के बीच संबंध क्या है, कैसे भारत और चीन के संबंध, ठीक है, मित्रता के साथ साथ दुश्मनी के संबंध है, ठीक है, द्वैध भाव चाणक्य बड़े ही अच्छे से समझा के गए हैं, विदेश नीति में चाणक्य ने 6 सिद्धांत दे रखे हैं, ठीक है, संधि यण आसन, ठीक है, समाश्रय द्वैध भाव, ठीक है, ये सारी चीजें, तो इनको कैसे पालन करना है, द्वैध भाव क्या होगा जो हम चीन के साथ अपना रखे हैं, पाकिस्तान जो चीन के साथ जा रहा है वो कौन सा भाव है, समाश्रय का भाव है। ठीक है, जब आप किसी एक देश के साथ शत्रुता नहीं कर सकते तो उसके दुश्मन जो शक्तिशाली है उसके आश्रय में चले जाना ही समाश्रय है। तो पाकिस्तान किसके संरक्षण में है, चीन के, क्योंकि पाकिस्तान भारत से प्रत्यक्ष रूप से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता, तो भारत के एक और दुश्मन के साथ बजा के बैठ जाया जाए। ठीक है, द्वैध भाव क्या होता है, जो सामने से दोस्ती रखी जाएगी बट वो पहला मौका जहां सामने वाले को हराने का मौका मिले वो देश अपनाना शुरू कर देगा। तो भारत और चीन के संबंध इसी तरह के संबंध है, वहीं भारत और रूस के संबंध मित्रता वाले संबंध है। ठीक है, तो अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संबंध मौजूद है। क्लियर है इतना? अब राष्ट्रीय हित समझ में आया, जहां प्रत्येक देश अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में जुटा हुआ है, ये समय परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहेगा, राइट? अब अगर बात करें तो वर्तमान की जो विश्व व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था है बेटा, वर्तमान विश्व कैसा है, बहुपक्षीय विश्व है या बहुध्रुवीय विश्व है, इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, क्या विश्व में कोई एक राजनीतिक महाशक्ति है, है कौन सी, वर्ल्ड वॉर के बाद दो थे, ठीक है, शीत युद्ध के दौरान दो थी, ठीक है, एक अमेरिका और सोवियत संघ, उसके पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बची, और उसके बाद वर्तमान विश्व जो है वो कहीं ना कहीं बहुध्रुवीय विश्व हो गया है। बहुध्रुवीय विश्व का मतलब अलग अलग ध्रुव बट गए हैं, बट क्या ये बहुध्रुवीय विश्व हमेशा से बहुध्रुवीय था, नहीं, ठीक है, और जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है ये वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था किस तरीके से उत्पन्न हुई, ठीक है, ये जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा है ये आई कहां से, ठीक है, वर्तमान विश्व का उदय कैसे हुआ, क्या हमेशा से ऐसा ही विश्व था, नहीं, कहीं ना कहीं पहले साम्राज्यवाद था, है ना, बड़े बड़े साम्राज्य थे, वो साम्राज्य टूटे, फिर राष्ट्र राज्य की अवधारणा आई, ठीक है, और इन राष्ट्र राज्यों से फिर राष्ट्र गुटों में परिवर्तित होना शुरू हो गए, ठीक है, मतलब विश्व राजनीतिक व्यवस्था निरंतर बदलते रही है, राइट। तो वर्तमान विश्व व्यवस्था समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें इस विश्व व्यवस्था के इतिहास में जाना होगा, ठीक है। सो अगर हम इतिहास में जाए तो दोनों तरह से बात कर लेते हैं, अगर भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे पहला वो जो दौर था जहां हमने एक स्थायी शासन व्यवस्था देखी वो उत्तर वैदिक काल था। उत्तर वैदिक काल में ही जो वैदिक लोग थे वो स्थायी रूप से बसना शुरू हुए, फिर इन्हीं स्थायी लोगों की बसाहट ने जनपद का रूप दिया, यही जनपद फिर महाजनपद बने, और इन्हीं महाजनपदों में से फिर एक महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली बना, मगध, फिर इस मगध पे मौर्यों का शासन हुआ तो फिर वो मौर्य साम्राज्य बना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, राजनीतिक व्यवस्था में
भारतीयों की ही अगर बात करें तो समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन आया है, ठीक है। वहीं पर अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में प्राचीन काल में नगर राज्य की अवधारणा थी, ठीक है। और नगर राज्य क्या होते हैं? एक नगर अपने आप में संपूर्ण राज्य की अवधारणा या संपूर्ण राज्य की शक्तियां प्राप्त था, ठीक है। अब राज्य की शब्द की अगर हम बात की जाए तो इस राज्य शब्द का जो परिभाषा है या जो अलंग जो हम कहेंगे कंपोनेंट्स जो है वो अलग अलग है। किसी भी राज्य को, किसी भी क्षेत्र को राज्य कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, जैसे कि एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए तभी वो राज्य कहलाएगा, उसके साथ जनसंख्या होनी चाहिए, उसके अलावा संप्रभुता, और दूसरा शासन व्यवस्था। अब यहां शासन व्यवस्था में मैं यह नहीं लिख रहा हूं कि लोकतंत्र ही होना चाहिए, राजतंत्र भी हो सकता है, तानाशाही भी हो सकती है, ठीक है। बट ये चार विशेषताएं होनी आवश्यक है किसी भी क्षेत्र में, तभी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य। और अवधारणा क्या थी? नगर राज्य की, जहां अलग अलग नगर, उदाहरण के तौर पे एथेंस बात कर लो, ठीक है, प्राचीन यूनान में, वर्तमान में जो ग्रीस है, ठीक है, जो ग्रीस की राजधानी भी है, ठीक है, एथेंस अपने आप में एक राज्य के रूप में कार्य कर रहा था। एथेंस के ही बगल में एक और नगर राज्य था, स्पार्टा, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या था? छोटे छोटे नगर अपने आप में संप्रभुता रखे हुए थे, अपने आप में संपूर्ण शक्ति थी, अपनी अलग अलग शासन व्यवस्था थी, ठीक है, और एक निश्चित क्षेत्र भी था। और ये नगर राज्य आपस में एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाए रखे हुए थे, ठीक है। बट उस समय प्राचीन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन था, वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या था? भूमि। तो हर देश, हर नगर राज्य क्या करेगा? अपनी भूमि को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ऐसी स्थिति में हर एक नगर राज्य एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में होगा। आई बात समझ में? और जब यही युद्ध की स्थिति होगी तो इन्हीं में से कुछ नगर राज्य इतने ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, ठीक है, कि वो अपने आप को एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में स्थापित कर लेंगे, ठीक है। जैसे भारत में हुआ, उत्तर वैदिक काल में छोटे छोटे कबीलाई थे, ये कबीलाई छोटे छोटे क्षेत्र में रह रहे थे, फिर इन्हीं छोटे छोटे क्षेत्रों में महाजनपद बन गए, ठीक है, इन्होंने अपना एक निश्चित क्षेत्र बना लिया। फिर इन क्षेत्रों में जब आपस में लड़ाई हुई तो फिर इनमें से कुछ महाजनपद बन गए, और फिर उन महाजनपदों से एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य निर्मित हो गया। वही प्रक्रिया यूरोप में भी होगी, प्रारंभ में नगर राज्य होंगे और फिर इन नगर राज्यों के बाद उत्पत्ति होगी एक महान साम्राज्य की, जिसे हम कहेंगे रोमन साम्राज्य। ठीक है, और इसे महान क्यों कहा जाएगा? क्योंकि ये रोमन साम्राज्य, ठीक है, वर्तमान के पूरे यूरोप, ठीक है, आधा जो सीमांत एशिया है वहां, और पूरा का पूरा उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है,
रोमन साम्राज्य था, ठीक है। तो इसीलिए पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ रोमन चर्च के अधीन था, इसीलिए महान साम्राज्य। अब इस महान साम्राज्य में, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि हमेशा स्थितियां एक जैसी रहेगी, नहीं, कभी उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक है, या फिर इसी रोमन साम्राज्य में कुछ क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब ये क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगे तो फिर 7वीं-8वीं ईसा के आसपास ये रोमन साम्राज्य दो भागों में बट जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा पूर्वी रोमन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी रोमन, ठीक है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो होगा उसका मुख्यालय रोम में ही होगा, ठीक है, बट जो पूर्वी रोमन एम्पायर होगा, साम्राज्य होगा, इसका मुख्यालय आ जाएगा एथेंस में, ठीक है। और फिर यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। मतलब एक महान साम्राज्य दो भागों में बट गया। अब जब दो भागों में बटेगा तो शक्तियां कम होगी, ठीक है, और इस कमजोर शक्ति का फायदा कोई तीसरा साम्राज्य उठाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसके बाद जब स्थिति और खराब होगी, ठीक है, तो यहां पर एक नया साम्राज्य जन्म लेगा, तुर्क साम्राज्य, ठीक है, बाय उस्मान गाजी, ठीक है। उस्मान गाजी एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है, उस्मान गाजी, फिर ओरहान गाजी, फिर उसके वंशज। और चूंकि ये तुर्क साम्राज्य किसकी सीमाओं से जुड़ा हुआ है, पूर्वी रोमन साम्राज्य के, ठीक है, जिसे बाजंतीनी भी कहा जाता है, ठीक है, तो एक संघर्ष का दौर दोबारा शुरू होगा, ठीक है। सो इस स्थिति में लगातार साम्राज्यों के क्षेत्रों में फेरबदल होता रहेगा। तो जो महान साम्राज्य पहले था, अब उस महान साम्राज्य के साथ साथ कुछ नए साम्राज्य जन्म ले रहे हैं, वो नए साम्राज्यों की वजह से आपसी संघर्ष बढ़ रहा है, ठीक है। और स्थिति ये होगी बेटा कि विश्व का प्रत्येक देश, यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, विश्व का प्रत्येक देश या प्रत्येक क्षेत्र आपस में एक दूसरे से युद्ध की स्थिति में है, राइट। ये कब चलेगा, मध्यकाल में, 10वीं-11वीं-12वीं-13वीं-14वीं-15वीं शताब्दी तक, ठीक है। और इस स्थिति में अगर रोम साम्राज्य की बात करें, ठीक है, तो यहां पे कुछ परिवर्तन आएंगे,